जब नहीं होगा तो बैठेंगे धरना पर, क्योंकि अपनी सरकार में सरकार कोई भी हो, पहले मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं और इस नाते मेरा प्रथम दायित्व तो है कि हम उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढें और उसमें जो भी बाधा है उसको निपटते हुए। ये दुर्भाग्य ही है कि 3 साल से लगातार प्रश्न उठाने के बाद भी आज तक नहीं हुआ है, अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, 25 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उसका जांच नहीं हुआ है। इसलिए मैं बैठा हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करे। और सुनी हो गई, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो तरीके है प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से मिलकर, ये सारा कुछ हमने कर लिया है। लगातार केवल झूठा आश्वासन मिलता रहा है मंत्री का और आज तक कोई काम उसमें शुरू हुआ नहीं। 3 साल से लगातार बात रखने के बाद आरोप लगा रहे हैं, झूठा आश्वासन। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था 2 महीने के अंदर जांच करेंगे और उसके बाद उन्होंने किया तो मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा, मैंने कहा है मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, होगा, बड़ा भाई है हमारा, हम लोग बनाएंगे। 3 साल से बोला जा रहा है पूरी हुई। अरे पूरी हो जाएगी भैया, 2 साल कोविड था लेकिन भाई का मांग जायज है और हम लोग इनकी मांग से सहमत हैं, जल्दी करेंगे। चलिए, बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोल रहे हैं कि खाली बोलते हैं मंत्री जी, कर देंगे संतुष्ट इनका। इनका जो है 3 महीना में हम लोग इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं ऐसे विषय पर कोई ध्यान नहीं देता हूँ। मैं मानता हूँ कोई काम नहीं हो रहा, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं। काफी गुस्से में आप दिख रहे हैं, काफी गुस्से। जो सच्चाई है वो बोलने में कोई गुस्सा बनी है, फैक्ट यही है कि मैं इनके आश्वासन पर विश्वास नहीं करता हूँ। विश्वास करेंगे, आगे 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 देखिए क्या होता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।